हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल विज्ञान इज मंच। ये हमारा ट्रिक्स का फोर्थ पार्ट है, जिसमें हम इन्फ्लोरेसेंस के रिलेटेड ट्रिक्स से क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अगर आपने रूट, स्टेम और लीफ से रिलेटेड ट्रिक्स नहीं देखे हैं तो इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन पे अवेलेबल है। प्लीज़ जाके चेक करें और अपने स्टडी को क्या करें, बूस्ट करें। एग्जाम्पल बेस्ड मॉर्फोलॉजी से आपके जितने भी एग्जाम्पल हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है, एनसीईआरटी प्लस और भी जो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स हैं उन सबको मर्ज करके मैंने जो ट्रिक बनाया आप प्लीज़ व्यू करें, ठीक है। चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं आज का इन्फ्लोरेसेंस के अंदर के ट्रिक्स, ठीक है। अगर आपने इन्फ्लोरेसेंस के रिलेटेड वीडियोस को स्टडी नहीं किया है और उसके टाइप्स को नहीं पढ़ा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और प्लस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिक्स। जो पहला होगा ट्रिक वो है, रेस मस्ट बी विन बाय रेडिश एंड पैनिक्ड गुलनीर टू स्पीक आचार्य ग्रामिनी। रेस मस्ट बी विन बाय रेडिश एंड पैनिक्ड गुलनीर टू स्पीक आचार्य ग्रामिनी। यूज़ कैसे करना है चलिए देखते हैं। रेस जो है यहाँ रेसिमोस कंडीशन को, मस्ट मस्टर्ड को, विन बाय का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, रेडिश तो रेसिमोस टाइप का जो एग्जांपल है, ठीक है, रेसिम के अंदर, रेसिमोस के अंदर जो रेसिम है उसका एग्जांपल है मस्टर्ड और रेडिश, और पैनिकल जो कि कंपाउंड रेसिम भी जानते हैं उसका एग्जांपल है गुरनीम, गुल नीर। स्पीक जो है यहाँ पे स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस को बताता है जिसका एग्जांपल है एक्रेंथस, और कंपाउंड स्पाइक या स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट का जो एग्जांपल है वो है ग्रामिनी। तो यहाँ पे क्या होगा, रेसिम का एग्जांपल है मस्टर्ड एंड रेडिश, कंपाउंड रेसिम या पैनिकल का एग्जांपल है गुलनीर या गुलमोहर एंड नीम, और स्पीक स्पाइक स्पाइक का है एक्रेंथस, और स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट का जो है, ठीक है, वो है ग्रामिनी। दूसरा देखते हैं, सी हयात स्पेंड पॉइंट्स इन यूरोप। सी हयात स्पेंड पॉइंट इन यूरोप, सी जो है यहाँ पे साइथियम के लिए है, ठीक है, सी हयात जो है यहाँ पे साइथियम के लिए है। स्पेंड जो है उसके पेंड से आपको याद रखना है पेंडिलेंथस, पॉइंट्स जो है उससे आपको याद रखना है पॉइंसीटिया, और यूरोप से आपको याद रखना है इफोर्बिया, ठीक है। तो साइथियम का एग्जाम्पल है पेंडिलेंथस, पॉइंसीटिया और इफोर्बिया। नेक्स्ट देखते हैं, कैटरीना ने भोजपत्र पे ओक के साथ मलबेरी खाया, ठीक है, कैटरीना ने भोजपत्र पे ओक के साथ मलबेरी खाया। कैटरीन जो यहाँ पे है कैटकिन के लिए बताएगा, भोजपत्र अब कंप्लीट नेम है, उसके बाद है ओक, क्वेरकस ये एग्जांपल है, और मलबेरी एग्जांपल है कैटकिन का। तो कैटकिन का एग्जांपल भोजपत्र, ओक, मलबेरी, बाकी जो यहाँ पे लाइन है और जो वर्ड्स हैं उनका कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, स्पेड से इस एरिया से कोलोकेशिया और मेज निकालो, ठीक, स्पेड से, स्पेड खुरपी होता है, ठीक है, आपको पता होगा, तो स्पेड से इस एरिया से कोलोकेशिया और मेज निकालो, ठीक है। स्पेड यहाँ पे स्पेडिक्स के बारे में बताएगा, इसके एग्जांपल है एरिया, ठीक है, एरोइड्स, कोलोकेशिया कंप्लीट नेम है, मेज कंप्लीट नेम है, तो स्पेडिक्स का एग्जांपल है, ठीक है, एरोइड्स, कोलोकेशिया एंड मेज। फिर नेक्स्ट देखते हैं, कोरिम्ब बाय कैंडी फ्रॉम कैप्सेला, कोरिम्ब बाय कैंडी फ्रॉम कैप्सेला हु कम फ्रॉम कॉली पर्सिया। क्या बोल रहा है, कोरिम्ब ने कैप्सेला से क्या करा, कैंडी खरीदा है जो कहाँ से आई है, कॉली पर्सिया से आई है। चलिए देखते हैं, कोरिम्ब यहाँ पे कोरिम इन्फ्लोरेसेंस को बता रहा है, कैंडी कैंडी टफ्ट यहाँ पे, ठीक है, एग्जांपल है, कैप्सेला यहाँ पे एग्जांपल है, और कम से आपको रखना है कंपाउंड कोरिम, ठीक है, कंपाउंड कोरिम जो है उसका एग्जांपल है कॉलीफ्लावर और जो है पर्सिया। तो ये एग्जांपल हुए कोरिम और कंपाउंड कोरिम के। नेक्स्ट देखते हैं, अम्बल, अम्बल यूज सेंट टू बाय क्यूमिन फनेल, अम्बल यूज सेंट टू बाय क्यूमिन फनेल फ्रॉम अम्बलीफेरी कोरिया। अम्बल ने क्या किया, सेंट से, पैसे से, ठीक है, क्या खरीदा, क्यूमिन और फनेल खरीदा, कहाँ से, कोरिया से, ठीक है। चलिए देखते हैं, अम्बल जो है अम्बल इन्फ्लोरेसेंस को बताएगा, सेंट यहाँ सेंटेला, क्यूमिन, ठीक है, अम्बल का सेंटेला है और इसके बाद कंपाउंड का है, ठीक है, बाय से आपको याद रखना है कि कंपाउंड, कंपाउंड का एग्जाम्पल क्या है, कंपाउंड अम्बल का क्यूमिन, जीरा, फनेल,
फनल से फैनल याद रखना है सौंफ, और अम्बलीफेरी फैमिली है, और कोरिया से कोरिएंडर आपको याद रखना है। तो ये आपके अम्बल और कंपाउंड अम्बल के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट है कैपिट्यूलम। कैपिट्यूलम कंपोज सुन जीनिया सॉन्ग फॉर मारिया। कैपिट्यूलम ने क्या किया, कंपोज किया कौन सा सॉन्ग, सुन जीनिया फॉर मारिया, मारिया के लिए क्या किया, एक गाना बनाया जिसका नाम था सुन जीनिया। देखते हैं चलिए। कैपिट्यूलम इन्फ्लोरेसेंस है अपने आप में, कंपोज से याद रखना है कॉम्पोसिटी, सन से सनफ्लावर, जीनिया अपने आप में कंप्लीट नेम है, और मारिया से मारी गोल्ड, तो मैरी गोल्ड, सॉरी मारी गोल्ड बोल रहा हूँ, मैरी गोल्ड। ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके कैपिट्यूलम के। ये थे रेसिमोस के। अब स्टार्ट करते हैं साइमोस। साइमोस का देखते हैं, साइमोस वियर यूनिहेलिक्स ड्रेस, ठीक है, साइमोस वियर यूनिहेलिक्स ड्रेस एंड बिगिन स्कोरिंग बाय जस्ट टिक बाउंसिंग मिस्टर कैल्को एस्क्ले बॉल, ठीक है, क्या बोल रहा है साइमोस, क्या हुआ, एक ड्रेस पहना यूनिहेलिक्स टैक्स, उसके बाद से उसके स्कोर करना चालू किया। कैसे स्कोर करना चालू किया, जस्ट टच करके किसके बॉल को, कॉल कैलो एस्क्ले बॉल से। तो देखिए साइमोस, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, उसके अंदर यूनिहेलिक्स यानी कि आपने क्या पढ़ा था, आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा था यूनिपेरस का, यूनिपेरस के अंदर हेलिकॉइड, तो यूनिपेरिस हेलिकॉइड का एग्जाम्पल जो है हेलियोट्रोपियम, हेलिक से आपको क्या याद रखना है हेलियोट्रोपियम, ड्रेस से ड्रोसेरा, ये एग्जाम्पल हो गए। फिर आपको बिगिन से बिगोनिया, स्कोरिंग से स्कॉर्पोइड, स्कॉर्पियोइड याद रखना है, तो जो आपके स्कॉर्पोइड हैं उसके एग्जाम्पल क्या हैं, बिगोनिया, बाय, ठीक है, बाय से याद रखना है आपको क्या, यहाँ पे बायफेरस चाइम, बायफेरस चाइम या डायसेजियल साइन, तो जस्ट का यहाँ पे क्या है जैस्मिन, टीक टीक, और बाउंसिंग का बोगनवेलिया, ये सब एग्जांपल आपके किसके हैं, आपके बायसेजियल टाइम के। मिस्टर से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्या, मल्टीपेजियल चाइम, ठीक है, मल्टीचेजियल चाइम, इसका एग्जांपल है कैलो यानी कैलोट्रोपिस एस्क्ले यानी एस्क्लेपियस। तो ये आपके साइमोस के अंदर, ठीक है, जो आपके मोनोचेजियल, डायसेजियल और तीसरा है मल्टीचेजियल चाइम के एग्जांपल। नेक्स्ट है साला ओसिमम को वर्टिकल से लब है, ठीक है, साला ओसिमम को वर्टिकल से लब है, साला यहाँ पे सेल्विया, ओसिमम ओसिमम है, और वर्टिकल से याद रखना है वर्टिस सिलेस्टर, तो वर्टिस सिलेस्टर का सेल्विया ओसिमम, और लब से यहाँ पे लेबिएटी, तो वर्टिकल का क्या है साल, ठीक है, सेल्विया ओसिमम और लेबिएटी फैमिली जो है वर्टिस सिलेस्टर के एग्जाम्पल हैं। लास्ट फाइकस गेट हाइपर एंड बैंड पीपल एंट्री। फाइकस क्या हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और क्या कर दिया, बैन कर दिया पीपल की एंट्री पे, तो फाइकस यहाँ पे कंप्लीट नेम है, हाइपर से याद रखना हाइपेंथोडियम, हाइपेंथोडियम, फिर बैंड से बैनी एंट्री और पीपल से पीपल ट्री, मतलब फिग के जो भी हैं, फाइकस के जो भी एग्जाम्पल हैं वो सारे क्या हैं, हाइपेंथोडियम के एग्जाम्पल है, तो बैनियन, फिग और पीपल, और मिक्स्ड स्पेडिक्स का एग्जाम्पल बनाना। तो ये आपके फ्लावर्स से, ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस से रिलेटेड आपके सारे क्या हैं, ट्रिक्स हैं। इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।